दोस्तों यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है कि हम रशिया के साथ कोई भी सीज फायर एग्रीमेंट को नहीं साइन करेंगे, यानी हम लोग हमलों को नहीं रोकने वाले हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से ये स्टेटमेंट इसलिए दी गई है क्योंकि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया तो उस कंडीशन में रशिया ने यूक्रेन के जितने इलाकों पर कब्जा किया है रशिया फिर उन्हें वापस नहीं देने वाला है। और जेलेंस्की की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम जब तक इस जंग को नहीं रोकेंगे जब तक हम रशिया से अपने सभी के सभी राज्यों को वापस नहीं ले लेते, जिससे अब ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो ही चुकी है कि ये जंग आने वाले कुछ महीनों तो बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। हो सकता है कि ये जंग सालों साल खिंच जाए। वहीं पर अब से 3 दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि हम यूक्रेन को 4 और नए हिमारस मिसाइल सिस्टम देने वाले हैं, लेकिन आज अमेरिका की तरफ से नया ऐलान कर दिया गया है और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अब हम यूक्रेन को नए नए और एडवांस से एडवांस हथियार देने शुरू कर देंगे। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियार इसलिए भी दिए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका ये देखने में लगा हुआ है कि हमारा कौन सा हथियार रशिया के खिलाफ ज्यादा कारगर साबित हो रहा है, इसीलिए ही अमेरिका आए दिन नए नए हथियार यूक्रेन को दे रहा है। वहीं पर ब्रिटेन की सेना तो पहले से ही यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने में लगी हुई है, लेकिन अब स्कॉटलैंड की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया गया है और स्कॉटलैंड की तरफ से कहा गया है कि अब हम यूक्रेन की नौसेना को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जिससे अब ये बात तो साबित हो ही गई है कि यूक्रेन के सपोर्ट में धीरे धीरे दुनिया भर के देश आ रहे हैं। वहीं पर स्कॉटलैंड की इस ट्रेनिंग के दौरान ब्रिटेन के पीएम यानी बोरिस जॉनसन भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हुए थे और बोरिस जॉनसन ने स्कॉटलैंड की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को हथियार चलाने सिखाए हैं। दोस्तों इन सभी रिपोर्ट्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।